फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग ब्लॉग। तो आज मैं आया हूँ टोयोटा के इवेंट में, हाइलेक्स की ऑफ रोडिंग में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ट्रैक भी बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और आज मैं ड्राइव भी करने वाला हूँ, यानी कि ऑफ रोडिंग भी करने वाला हूँ इस ब्यूटी के साथ। तो ये तो पर्सनल व्हीकल है, हम जो शोरूम के द्वारा प्रोवाइड की गई है उन गाड़ियों के जो है, देखो लाल वाली जो है, ये हमारे किशन भाई है जो हमारे को डायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसे से नहीं ऐसा कुछ। वो देखो वो गाड़ी है, बाकी वो ऑफ रोडिंग हो रही है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। हम भी ऐसे करेंगे, है ना भाई? और हमें इस टाइप का कार्ड भी मिल चुका है। और ये देखो भाई साहब, व्हाट अ अमेजिंग व्हीकल। अभी ये देखो, अभी देखो इसको चढ़ाते हुए देखना भाई, टॉर्क इतना ज्यादा है ना, आराम से चढ़ रही है। मेरे ख्याल से 500 Nm का टॉर्क है इसमें, 500 न्यूटन मीटर या 500 Nm का टॉर्क है, 200 हॉर्स पावर। हां हां हां। और अप्रोच और डिपार्चर एंगल इसका ऐसा है ना, टकराती नहीं है जल्दी, टकराती नहीं है भाई। सब नीचे के पूरा सिस्टम दिख रहा है गाड़ी का। हाँ। और जो फॉर्च्यूनर ये भाई पूरा सेटअप लेके आए हैं भाई, लाए हेड माउंट, मैं लाया हूँ चेस्ट माउंट, ठीक है। अभी मेरे को लग नहीं रहा इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी, मैं भाई को ही दे दूंगा कैमरा। क्यों किशन भाई? भाई लेकिन लगा लो, ज्यादा बेटर व्यू आएगा, सही बताऊं है। वो अलग, वो अलग ही टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। वो यही है क्या? ये वही है भाई, ये वही है। अच्छा ये देखो ना, बारह ये है, ये भी लॉक है, ये वाली देखना। नहीं ये तो प्राइवेट है किसी की यार। अरे तो, नहीं छोड़ दो, बैठो मैं इसको किसी और की है तो। भाई देखो क्या अच्छी लग रही है। हाँ। भाई ये देखो कितनी मस्त लग रही है। और हो सकता है इसको मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊं, बहुत मस्त लग रही है यार, ठीक है। देखो ये सारी लिफ्ट किट वगैरह लगी हुई है इसके अंदर। हाँ। लिफ्ट किट लगी हुई है जिसके से उठ गई है काफी अमेजिंग तरीके से। और लोहे का बम्पर लगा हुआ है पूरा मस्त भाई साहब। और हैमर की किट लगी हुई है इसके अंदर भाई, अमेजिंग है। और साइड में रूफ रेल भी लगी हुई है इसमें, तो किट का ही पार्ट है, किट का है। हाँ, हैमर की किट है भाई। मैंने बताया स्टेबिलिटी में कोई चेस्ट माउंट लगा रखा है भाई पूरे तरीके से, ठीक है। अभी देखते हैं एंगल किस हिसाब का आता है, है ना। अगर थोड़ा बहुत एंगल में इशू आएगा तो प्लीज बता देना, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रैक नहीं दिखेगा आपको। और ट्रैक ऐसे दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके का ट्रैक दिखेगा भाई। ये रैप्टर वाले जो इसके अंदर ORVMs लगाए हैं, बहुत अमेजिंग लग रहे हैं भाई। देखो कैनोपी वाली हाइलेक्स, इसकी वीडियो मैंने बनाई थी रेड कलर की, जो मैंने बताया था वो छत टाइप की चल जाती है। इसका एग्जैक्ट जो नाम है कैनोपी बोलते हैं इसे, बहुत अमेजिंग लग रही है। अंदर ना सीटें वगैरह डल जाती है, एक तरीके से बेड टाइप का हो जाता है, देख रहे हो अंदर कुशन टाइप के पूरे डाल रखे हैं, सो सकते हैं आराम से भाई। एक बार हाइलेक्स को देखो, इंटीरियर में बैठा हूँ, कितना अमेजिंग। और ऐसे ड्राइव करूंगा मैं, है ना। और थोड़ा सा इसको, हाँ ये आपको शायद एंगल आए, है ना, क्योंकि कह रहे हैं बोनट फुल नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि चेस्ट पे है ना ये, बिल्कुल हेड पे नहीं है। किशन ये देखो पूरा नीचे से गड्ढे में डाल के नीचे उतार रहे हैं अच्छे तरीके से। स्टेबिलिटी कमाल है यार इसकी भाई। अब इसकी बारी है, देखो चढ़ रही है भाई साहब। इसको तो सस्पेंशन भी लिफ्ट है ना भाई, ये देखो। हाँ अब देखो ये आराम से जाएगी, इसका शायद पहिया ना उठाए, उठ जाएगा भाई साहब। बहुत स्लांट है, एलटीसीएम कंट्रोल इसलिए तो है ना भाई। तो भाई मेरे यार बहुत बड़ी बात हो जाती है, इतनी लंबी गाड़ी ऑफ रोडिंग कर पा रही है, बहुत बड़ी बात है। हाँ टन होगी कम से कम, सही बात है। अभी ये स्टॉक है, वो पूरी है मॉडिफाइड, स्टॉक तो पूरी है। तीन गाड़ियां स्टॉक खड़ी है इधर, और ये देखो फरीदाबाद की खड़ी है, ये भी है। ये देखो ये भी मॉडिफाइड है, वो भी हैवीली मॉडिफाइड थी भाई। ये देखो मॉडिफाइड तो है, लेकिन वो तो आपको दिखाया ना, इसमें रैप्टर के बारे में भाई, वो तो अलग ही चीज है भाई, करके वो ज्यादा ही हुआ है। हां मेरी भाई, बाइक कैसी लग रही है? ये मेरे को शौक है यार बहुत ज्यादा, और मेरी फेवरेट बाइक है, और बहुत महंगी भी है। और ये जिसमें जो किट लगी हुई है, ये सारी कार्बन फाइबर की लगी हुई है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर। और इसका ORVM जो है ना, इसके अंदर ORVM नहीं है, विंगलेट डाले हुए हैं इसके अंदर। और देख रहे हो पीछे का पहिया, अगर आपको दिखाऊं ना, इतना वाइड है ना, इतना वाइड है ये देखो यार, मेरी वैगनआर से भी ज्यादा वाइड पहिया है इसका तो। चेन देखो, हाँ एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें, मेरे ख्याल से कौन सा लगा है, एरो का लगा है, एरो एग्जॉस्ट, ठीक है। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है भाई, BMW का इंजन है, 1000 cc का इंजन है। पावर फिगर्स तो इतनी ज्यादा है कि पूछो मत, है ना। और पीछे इसमें रेफरेंस के लिए बता देते हैं, हाँ पोलो में भी 1000 cc का इंजन है ना। अरे पोलो वोलो छोड़ो, पोलो से बहुत पावरफुल है यार। ये लाइट्स है इसके अंदर, ये लाइट्स है, टिल्ट आईडी भी नहीं है इसके अंदर, तो पूरी एकदम स्लांट है। और ब्रेक लाइट के ऊपर यही चीज है, RRS 1000 लिखा हुआ भाई, अमेजिंग लग रही है।
और आपको एक चीज बता दो, अगर BMW का जिसमें बैज लग गया समझ लो भैया परफॉर्मेंस की कमी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है यार। और एक चीज बताओ, BMW M5 कंपटीशन आती है ना, कार की बात छोड़ो बाइक की बात हो रही है, बाइक की बात हो रही है, बाइक के बारे में बात करो। टेस्ला जो आपकी एस प्लेट आती है ना भाई, उसका ड्रैग रेस में आ चुके हैं। पता है रियल स्पोर्ट्स बाइक यही है, R15 नहीं है, सही बताऊंगा आपको। स्पोर्ट्स बाइक होती है जो 1000 सीसी से ऊपर होती है, वही होती है एक ओरिजिनल स्पोर्ट्स, वो आपकी बात ठीक है। मेरे को तो शौक है यार, देखो इसमें ORVMs नहीं है, ये विंगलेट दिए हैं, ये स्पॉयलर्स हैं, ये इसको एरोडायनेमिक्स के लिए उड़ती नहीं है, मतलब क्या होता है ना बहुत हाई स्पीड पे जब चलती है ना तो उड़ने लग जाती है, ये चीज है भाई बहुत अच्छी है। इसका नोजल वोजल काफी अच्छा है, टॉप स्पीड 300 प्लस है। फाइनली ड्राइव के लिए हम जा रहे हैं हाइलक्स के लिए, तो ये स्टॉक है, प्रॉपर स्टॉक है, लेट्स गो गाइस, चलते हैं फटाफट से। ये स्पोर्ट्स डीप है, इस पे इधर कर लीजिए, उधर तक तब का होगी, उधर सामने का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे को लग ही नहीं रहा कि एसी चल रहा है, मतलब चल रहा है तो इसमें कोई पावर लैग वगैरह है। इस पे क्लाइम करना है, पूरा काट लीजिए उस तरफ जाना, राइट थोड़ा सा इधर वो जो साइड स्विंग लिखा हुआ ना बोलिए, टेप के इधर लेफ्ट में, ठीक है इधर इधर स्ट्रेट अलाइन कर लीजिए, स्ट्रेट इस साइड, ओके। लोगो तो टोयोटा का इंजन का तो लो एंड टॉर्क है भाई, बहुत प्यारा लगता है। अब अपन 4x4 सेटअप्स कर लेते हैं, ठीक है। पहले हाई लॉक शिफ्ट ले लीजिए, हाई लॉक, ठीक है। एंगेज वो देखिए, वो ब्लिंक हो रहा है, मतलब ब्लिंक हो गया, अभी एंगेज नहीं हुआ, एंगेज नहीं, ऑन तो कर दिया बट वो एंगेज नहीं हुआ। अगर ऐसा कभी आपको आती सिचुएशन तो आप क्या कर सकते हैं, इसको गियर को न्यूट्रल पर न्यूट्रल देख लीजिए, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, एक बार रिवर्स, ठीक है, अभी हो गया। बेसिकली उसको शाफ्ट रीड कर रहा है, रीड कर रहा है, हाँ, नहीं, हाँ, तो उसको मैच कर गई, वो एंगेज आ गया। अब आप फोर लो पे शिफ्ट, अब फोर लो पे अंदर दबा के पुश करके, ओके। अच्छा सर, एक